Are you a good communicator? If yes, so ये videos आपके लिए है दोस्तों. मैं हूँ नूर और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वर्सेज करियर कंसल्टेंट. दोस्तों आज की वीडियोज में हम लोग बात करेंगे सेल्स जॉब के बारे में, जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उस रिलेटेड जॉब के बारे में, जिसके लिए ना आपके पास हाई एजुकेशन होना चाहिए ना आपके पास हाईली एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओनली वन कंडीशन पे आपको जॉब मिल सकते वो है कम्युनिकेशन. सो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो और अच्छे से आप बात कर सकते हो, अच्छे से कन्विंस तरीके से किसी को कन्विंस कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियोस आपके लिए है दोस्तों. फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं मोस्टली कुछ ऐसी पॉइंट्स और कुछ ऐसी प्रोफेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपको हाईली कोई एक्सपीरियंस या आपके पास कोई हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है. आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड विदाउट लेक्स एक्सपीरियंस भी जॉब मिल सकते हैं अगर आप आपका पर्सनालिटी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो. पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो दोस्त लोग इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से विजिट वीजा पे आते हो, लाइक इंजीनियर, एमबीए, सिंपली ग्रेजुएट, और यहाँ पे आके कोई कोई कोर जॉब ढूंढते हो लेकिन नहीं मिलता है और बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे कोर जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है. तो उस टाइम पे अगर आपका विजिट वीजा का जो ड्यूरेशन वो खत्म होने वाला है और आप अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली सेल्स जॉब में ट्राई करना चाहिए दोस्तों. तो आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्री या कौन कौन सी जॉब है जहाँ पे आपको इजिली सेल्स जॉब में नौकरी मिल सकता है. तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स. दुबई में बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े शॉप्स है इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप्स हो. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग किया, यहाँ पे आके आपको कोर्स जॉब नहीं मिला, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कोई भी अपने प्रोफेशंस के हिसाब से सेल्स में ज्वाइन कर सकते हो. या फिर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप वेब डेवलपर हो या फिर वेबसाइट बनाते हो लेकिन आपको उतना अच्छा से जॉब नहीं मिल रहा है, तो उस टाइप पे आप कोई भी कंपनीज का सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो. या फिर वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे कंपनीज है, उसके लिए आप फोन पे इंडोर सेल्स में काम कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे कंपनी का वेबसाइट नहीं होता है तो लोगों को फोन करके कन्विंस करना होता है कि हम आपके लिए वेबसाइट बना के देंगे, तो इस टाइप का काम भी आप कर सकते हो दोस्तों. इसके बाद है दोस्तों जो रिटेल सेल्स होता है, चाहे वो शॉपिंग मॉल, कोई सुपर मार्केट या कोई भी छोटा सा कोई भी शॉप हो, वहाँ पे भी बहुत सारे रिटेल जो सेल्समैन की जरूरत होता है, तो आप वहां पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, सेल्स जॉब में फीमेल या मेल का कोई बैरियर नहीं होता है, आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत इजीली कैन अप्लाई फॉर सेल्स जॉब. इसके बाद आता है दोस्तों परफ्यूम सेल्स. परफ्यूम्स बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज का परफ्यूम शॉप्स है, हर एक शॉपिंग मॉल पे आप जाके देखोगे कि हर एक शॉपिंग मॉल पे बहुत सारे परफ्यूम शॉप होता है, जहाँ पे मोस्टली इंडोर सेल्स ही होता है, काउंटर पे आपको बैठना पड़ता है या फिर शॉप के बाहर आपको खड़ा होके कस्टमर को कन्विंस करना होता है, आपको परफ्यूम बेचना होता है, तो ये भी बहुत अच्छे और आप अपने अच्छे आउटफिट अच्छे ग्रूमिंग के साथ इजिली काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको बोर्डनेस भी फील नहीं होगा और आप इजिली काम भी सकते हो, जिसके लिए कोई आपको हाईली एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं. इसके बाद आता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड सेल. यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बहुत डिमांड है दोस्तों. अगर कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड आप सेल करते हो, तो आप यहाँ पे भी दो टाइप का सेल्स होता है, इंडोर या आउटडोर. आउटडोर में कैसा होता है दोस्तों, आप कंपनी टू कंपनी जाते हो और वहाँ पे जो कंपनी का इम्प्लॉइज है उन लोगों को आप अपने कार्ड का फीचर्स और फैसिलिटीज बताते हो और आप अपने उसको कन्विंस करके आप अपना क्रेडिट कार्ड बेचते हो. या इंडोर क्या होता है दोस्तों, आप अपने ऑफिस में या बैंक में बैठ के कॉल करके दूसरे कस्टमर्स को कन्विंस करते हो कि हमारे ये ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, इसका ये फीचर है, ये बेनिफिट्स है, तो इस तरह से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो इजीली मिल भी जाते हैं दोस्तों. इसके बाद आता है दोस्तों लोन. हर एक बैंक लोन प्रोवाइड करता है दोस्तों, यहाँ पे लोन मिलना आसान है. लोन के लिए यहाँ पे बहुत सारे गारंटर या बहुत सारे पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ता है, बस सैलरी स्लिप, आपका आईडी कार्ड और बैंक पे आके आप लोन ले सकते हो. लोन के लिए भी सेम है, बैंक में बैठ के आपको
किसी दूसरे कस्टमर को कॉल करके आप अपने लोन के लिए अप्रोच कर सकते हो, उनका सैलरी पूछ सकते हो, उनका प्रोफेशन पूछ सकते हो, उसके बाद आप लोन का क्या फीचर्स है, कितने दिन में आप उसको ईएमआई में कैसे पे कर सकते हो, ये पूरा डिटेल्स पे इंफॉर्मेशन देके आप उनको लोन भी सेल कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों टेली कम्युनिकेशन कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे जो मोबाइल सिम कार्ड कंपनीज है वो लोगों का जो पोस्ट पेड प्लानिंग होता है दोस्तों, प्रीपेड सिम तो सभी के पास होता है लेकिन जो पोस्टपेड प्लानिंग होता है वो बहुत ही लिमिटेड कस्टमर ही यूज करते हो। तो आपका काम वो होता है, इंडोर आउटडोर बोथ होता है ये, तो आपका काम ये होता है कि कोई भी कस्टमर को समझाना होता है कि पोस्टपेड सिम लेने का क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या प्रीपेड एंड पोस्टपेड में क्या डिफरेंस है, तो ये समझाना पड़ता है। और आपको ये पोस्टपेड का जो प्लान होता है, जो सिम कार्ड होता है, वो बेचना होता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों रियल एस्टेट कंपनीज में। रियल एस्टेट में भी सेल्स का जॉब होता है और रियल एस्टेट में भी इंडोर एंड आउटडोर बोथ सेल होता है। और यहाँ पे सेल भी दो टाइप्स का होता है, एक रेंट होता है, एक सेल होता है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 BHK या फिर कोई भी शॉप किसी दूसरे को रेंट पे देते हो या फिर किसी को सेल करते हो, तो वहां पे आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाते हैं और आपके पास सैलरी भी होता है। तो इस तरह का भी जॉब होता है और रियल एस्टेट में बहुत ही अच्छे स्कोप है दोस्तों। अगर आप अच्छे से बात करते हो, प्रॉपर्टी को अच्छे से दिखा सकते हो, समझा सकते हो, उसका बेनिफिट समझा सकते हो, तो अगर आप अच्छे से कस्टमर्स को ब्रेन वॉश मैनिपुलेट कर सकते हो तो इजीली आप ये काम कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों किसी भी कंपनी का क्लीनिंग प्रोडक्ट बेचते हो, लाइक क्लीनिंग केमिकल्स है या फिर अभी के टाइम पे मास्क, सैनिटाइजर और कोई सलून या ब्यूटी पार्लर का जो प्रोडक्ट्स है, ये सब अगर आप वहां पे जाके फिजिकली अप्रोच करके बेचते हो या फिर टेलीफोनिक कॉल करके बेचते हो, ये डिपेंड्स कि आप इंडोर सेल्स में हो या आउटडोर में, वहां पे भी आप इजिली जॉब कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है दोस्तों, यहाँ ये सेल करना आसान है क्योंकि दुबई में सब कुछ नीट एंड क्लीन है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जो बेचना आपके लिए आसान भी होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों कोई भी अगर आप होटल या रिसोर्ट में काम करते हो सेल्स डिपार्टमेंट में, तो वहां पे भी आपको बैंक्वेट्स सेल करना होता है या रूम सेल करना होता है, जो आप कंपनी टू कंपनी विजिट करते हो और वहाँ पे एचआर को अप्रोच करते हो, क्योंकि हर एक कंपनी का बहुत सारी गेट टुगेदर सेरेमनीज होता है, जिस वजह से होटल एंड रिजॉर्ट वाले कंपनी को अप्रोच करते हैं, पैकेजेस देते हैं। और साथ ही साथ आप रूम भी सेल कर सकते हो कि हमारे पास स्टैंडर्ड रूम है या सुपीरियर रूम्स है, तो ऐसा करके आप अच्छे से समझा के रूम भी सेल कर सकते हो दोस्तों। इसके साथ दुबई में एक वैन सेल्स, अगर आप ड्राइविंग पता है आपको और आप कोई वैन सेल्स में काम करते हो, ये एक ऐसा होता है दोस्तों, एक वैन होता है आपके पास, इसके पीछे एक पूरा छोटा रेस्टोरेंट जैसा होता है जो कहीं पे लेके जाके खड़ा कर देते हैं और फूड आइटम्स होता है वो सेल करते हैं, मोस्टली जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर दूसरे कोई बड़े लोकेशंस में आपको देखने को मिलेगा, जो वैन खड़े हैं और पीछे पूरा रेस्टोरेंट जैसा बना है, तो आप ये जॉब इजीली कर सकते हो दोस्तों, दुबई में इसका बहुत डिमांड है। इसके साथ दोस्तों अगर आप कोई भी कार मेंटेनेंस कंपनी या फिर कार का सर्विसिंग सेंटर्स है, वहां पे भी आप सेल्स की जॉब कर सकते हो, क्योंकि कार का जो स्पेयर एंड पार्ट्स है और उसके साथ जो नेसेसरी जो लिक्विड्स कार के लिए चाहिए होता है या टायर्स होता है, ये सब के लिए भी आप सेल्स जॉब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे सेल्समैन की जरूरत होता है दोस्तों। ये सब को छोड़ के भी और भी बहुत सारे सेल्स जॉब का स्कोप है। तो दोस्तों आप इतना तक देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेल्स जॉब में क्या सैलरीज है और कैसे सेल्स जॉब के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों सेल्स जॉब में बहुत अच्छी सैलरी होता है और जॉब भी बहुत अच्छे और इंटरटेनिंग होता है, क्योंकि आपको कोई चीज के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होता है, बस आप अपनी जुबान से, आप अपनी बातों से लोग अच्छे से कन्विंस करके आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, जिस वजह से आपको के साथ मोस्टली एक सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में अलग सा इंसेंटिव भी होता है, तो एवरेज में बहुत अच्छा सैलरी होता है। और सैलरी क्या होता है दोस्तों, आपका पोस्ट और आपके कंपनी पे डिपेंड होता है, लेकिन जो ओवरऑल देखा जाता है दुबई में कोई भी सेल्स में अगर जॉब करो तो आपको मिनिमम 2000 से ऊपर ही सैलरी मिलेंगे। तो मिनिमम जो जॉब होता है दोस्तों, 2000 आपको मिलेंगे, उसके साथ कंपनी का फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगे। तो सेल्स जॉब बहुत ही अच्छे जॉब है दोस्तों, वो सारे फ्रेंड्स के लिए जिसके पास अच्छा खासा कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर यहाँ पे कोर्ट जॉब नहीं मिला है, तो
यहाँ सेल्स जॉब करके दुबई में टिक सकते हो, बाद में आप अपने कोर्ट जॉब के लिए ट्राई भी कर सकते हो। इस वजह से मुझे आउटडोर सेल्स बहुत पसंद है, क्योंकि आप सेल्स का जो जॉब करते करते आप अपनी दूसरा जॉब सर्च करना, दूसरा इंटरव्यू अटेंड करना, ये भी इजीली कर सकते हो दोस्तों। तो दुबई में अगर टिकना है तो आप इजीली सेल्स जॉब ज्वाइन कर सकते हो, और आगे चल के आप अपना कोर जॉब ढूंढ के आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो दोस्तों। सो गाइस, अगर आप फ्रेशर्स हो, आपके पास हाईली कोई डिग्रीज या हाईली कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप दुबई में जॉब करना चाहते हो सेल्स में या मार्केटिंग में, तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। अगर पॉसिबल है तो फिजिकली विजिट वीजा पे आइए, या फिर अपने कंट्री से ट्राई कीजिए, ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक या मेल पे पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो गाइज, आज के वीडियोस में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरी कोई वीडियोस में, दूसरी कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।